एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान इश्क है ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ। आज 17 रमजान अल मुबारक योम बदर के नाम से मंसूब होता है। हर साल जब 17 रमजान आती है तो योम बदर याद आ जाता है। ये लड़ाई मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर मैदान बदर में हुई। अबू जहल की सरबराही कुफार की तादाद तकरीबन 1000 से जायद थी और निहत्ते मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 313। अबू जहल को अपनी तादाद पर तकब्बुर था। वो कहता था, नाउज़ बिल्ला, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो उस खुदा उसे भी लड़ सकता हूँ। नाउज़ बिल्ला। ये शैतान, ये यजीद, ये इस तरह जो भी हमने कभी गुरूर के या नाउज़ बिल्ला कुफ्र के अल्फाज सुने वो हमेशा नीस्त तो नाबूद हुआ। जुल्म करने वाला नीस्त तो नाबूद होगा, किसी के साथ ज्यादती करने वाला फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुज़ूर दुआ मांगी कि या अल्लाह, जो तूने मुझसे वादा फरमाया था उसे पूरा फरमा। खुदावंद बुजुर्ग व बरतर ने अपना वादा पूरा किया। मुसलमानों की मुख्तसर तादाद ने कुफार के 3 गुना बड़े लश्कर को भागने पर मजबूर कर दिया। यह है योम बदर की याद। आज पाकिस्तान में और दुनिया में जगह जगह योम बदर की जो है वो महफिलें होती हैं। मेरी वालदा, जब सर बचपन से मैं देखा कि मैं उनके साथ 17 रमज़ान मुबारक को हमेशा महफिलों में जाती रही, तो बस यही है, ये महफिलों का सिलसिला जारी रहे, मेरे आका के नाम लेने वाले ज़िंदा रहें। क्योंकि जब तक आका का नाम दिल और सीना और लू पढ़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, तब तक हमें शहादतें मिलती रहेंगी। इस दुआ के साथ फतेहनजाद, अब अगले हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो हैं माहनूर खलील हैं। उनकी उम्र है 16 बरस और वो भी इस्लामाबाद से कलाम पेश करेंगी। टीम साबरी की चौथी कंटेस्टेंट हैं आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑल द वेरी बेस्ट। माशाल्लाह, महनूर खलील हमारे साथ थी। और अगली कंटेस्टेंट है मिसबाह मलिक उमर और इनकी एज है 16 और ये भी इस्लामाबाद से हैं। आज की 5वीं और आखिरी कंटेस्टेंट टीम साबरी की। अमजद भाई, आपकी 5वीं और आखिरी कंटेस्टेंट आज की, देखते हैं ये कैसे ही नाक करती है। शहीनों ना
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और आज के पांचों कंटेस्टेंट यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इसके साथ साथ बताते चलूँ ख़वातीनो हज़रात कि इस मुकाबले के फ़ाइनल में जो लोग पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस हासिल करेंगे उनको अल हरमैन ट्रैवल की जानिब से उम्रे के मुकम्मल पैकेजेस दिए जाएंगे, जिसमें वीज़ा, टिकट और सफ़र की दीगर सहूलियात मौजूद होंगी। और ये अल हरमैन ट्रैवल्स की तरफ से ऐलान भी होने वाला था। जो फरहान है ना हमारे साथ फ़ोन पर, फरहान है ना फ़ोन पर, फरहान हेलो। अच्छा, और फरहान ने खुशखबरी दे दी थी, ये खुशखबरी मुझे आ गई है और ये खुशखबरी मैं कल सुनाऊंगा। और खुशखबरी फिर हमें सुना दी अजद भाई ने कि देखो मैं शहीद हो गया और मैं रोजे में था। हमारी तरफ से खुद लड़ते थे आपसे और सबसे कि भाई सब इनामात हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और उनकी कही हुई बात, बस वो खुशखबरी मिलनी थी और अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उनको हमसे ज्यादा जल्दी थी, वो जल्दी चले गए, जल्दी चले गए और हम भी तो वहीं जा रहे हैं। बस इस दुआ के साथ की मुलाकात जल्द होगी भैया, जल्द होगी। 4 साल पहले एक को खोया, कल फिर एक और खोया, कोई बात नहीं, हम भी वहीं जा रहे हैं। हमने कहीं और कौन से जाना है, कुछ बात इतनी देर में आप लोग फैसला करें। हम वक्फे में अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, भाभी भी यहाँ मौजूद है, भाभी माइक भी ले लीजिएगा, कि सबसे बहुत मेरी एहतराम के साथ और एक मोहब्बत के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग, मेरी सोशल मीडिया की टीम, उमेर वगैरह, हम सब यही बात कर रहे थे कि एक ऐसा चेहरा जो आप तस्वीरें इस वक्त उनकी देख रहे हैं, वो मुसलसल मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुसलसल शफकत भरा चेहरा, मुसलसल मोहब्बत भरा चेहरा, ये मोंटाजेस जो आप देख रहे हैं, ये हमारी जो हमारा गीत थी उसकी मेकिंग की है। खुद से बोला मुझे झाड़ू दिलवाओ मैं करूँगा। बहुत फ़कीर आदमी, लेकिन उसके जो आज रब ने उनको मुकाम दिया वो इसीलिए दिया कि वो उतने ही झुकाव वाले थे। मुस्कुरा मुस्कुरा कर जो हम कह रहे हैं, हमसे बातें करते थे, लिल्लाह मेरी रिक्वेस्ट है हसन भाई की, रेहान भाई की, मियाँ जी की, उज़ैर की, भाभी की, जवेरिया की और डॉक्टर मिराहिल और फरहान की, कि लिल्लाह मेरे भाई, हमारे भाई अमजद साबरी की कोई भी ऐसी तस्वीर ना आप सोशल मीडिया पे लगाएं जिससे देखकर उनके घर वालों को तकलीफ़ हो। अगर आप चाहते हैं कि उनके घर वालों को या उनके प्यारों को तकलीफ़ और दर्द पहुंचे तो आप लगाइए, लेकिन अगर आपको वाकई मोहब्बत में लगाना है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लगाइए मेरे भाई का। इंटरनेट, सोशल मीडिया, गूगल भरा पड़ा है, और अगर आपको फिर भी कोई उनकी अच्छी तस्वीर नहीं आती मिलती तो आप हमारे ग्रुप में चले जाइए, ए प्लस के पेज पर जाइए, माया खान ऑफिशियल के पेज पर जाइए, वहाँ हर जगह आपको उनकी मुस्कुराती हुई, कभी शफकत से हाथ रखती हुई, कभी कोई चीज़ पढ़ते हुए, कभी किचन में आते हुए, कभी दस्तखान पर दुआ करते हुए, कभी कुछ और करते हुए, मेरा मुस्कुराता हुआ भाई आपको नजर आएगा। इस जिक्र को इतना कबूल पसंद किया कि उन्हें शहादत के अवार्ड से नवाज दिया। सुभान अल्लाह रेहान भाई, सुभान अल्लाह, अवार्ड दिया है अल्लाह ने, उनको चुना और पसंद फरमाया और ये अवार्ड दिया है। तो मैं चाहूँगा, जैसे आपने फरमाया कि उनकी खूबसूरत सी मुस्कुराती हुई तस्वीर के नीचे शहीद अमजद कादरी लिखे, शहीद अमजद साबरी, शहीद अमजद साबरी, बस ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाभी, अमजद भाई का चेहरा बस वही जहन में रहता है अगर उनको तसव्वुर में लाएं मुस्कुराता हुआ। जितना दुरूद शरीफ आप पढ़ते थे, जितनी नातें और कव्वाली आप पढ़ते थे, तो उनका जो एक ऑरा बन गया था, जो एक हाला, एक हिसार उनका था, वो बहुत खूबसूरत हिसार था। मुझे नहीं लगता कि उस हिसार को छोड़कर और आपको कोई ऐसी बात दिखानी चाहिए। सिर्फ उनकी फैमिली अजियत में नहीं आती वो तस्वीरें देख के, हम सब अजियत में आते हैं। हम उन्हें उन्हीं प्यारे, ख्याल कीजिए इस बात का, प्लीज ख्याल कीजिए, हम उसी मंजर को अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। मैं जितनी देर से बैठी हूँ, सिर्फ चेहरा नहीं, पता नहीं कौन कौन सा जुमला है उनका जो दिल से निकल रहा है। और आपके जुमले इतने प्यारे, आपकी शख्सियत, आपकी आवाज़, कव्वाली इतनी प्यारी, नात इतनी प्यारी, बहुत सारे लोगों को आपने मुसलमान भी किया है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी कुव्वतों से नवाजा था, किसी का मुसलमान होना मामूली बात नहीं है। और ये सिर्फ उनकी मोहब्बत थी जिसने उन्हें ये सारे रुतबे दिए, मोहब्बत और शफकत बिखेरते चले गए। आज उनके घर का नहीं, पूरी कौम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
जो नाम लेके, जो पाकिस्तान का नाम लेके पूरी दुनिया ने उन्होंने उन्होंने रोशन किया, हम फख्र से कहते थे ये है पाकिस्तान, ये है मुसलमान, ये हैं हम। आज हमने उन्हें खोया है जिसका हमें बहुत शदीद दुख है। आप कह रही हैं रोते हुए लोगों की, सारम साहब से उनका इतना ही तो ताल्लुक था ना कि हम प्रोग्राम में साथ मिलते थे, मोहब्बत से उठते बैठते थे। लोगों ने रोते हुए व्हाट्सएप इनके लिए भेजे हैं। अब जो फरिश्ता लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, आप तो उनकी बहन हैं। गैर शख्स का मेरे पास दुबई से व्हाट्सएप आता है, उसमें वो यही कहता है कि सारिम भाई मैं मिलना चाहता था इनसे, ये मुझसे मिलने से पहले ही फरिश्ता सिफत इंसान इस दुनिया से चले गए, उन्हें इस बात का दुख है कि वो अपनी ज़िंदगी में इससे मिल क्यों ना पाए। तो ये एक ऐसा इंसान हमारे दरमियान से चला गया है कि हर शख्स इनसे मिलता और इनका गर्विदा हो जाता। दीन इस्लाम के लिए बहुत फ़रोग दिया, हमारे मुल्क के लिए किया, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। अल्लाह इनको अपनी बेहतरीन दर्जात इनके बुलंद करके इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं कहूँगी कि आप लोग ने अगर फरहान से मशवरा करना है तो आप लोग कर लीजिए। हाँ, और यहाँ पर अगर आप सुलभ थोड़ा सा वक्फा ले सकते हैं तो वक्फा ले लेते हैं ताकि ये लोग फैसला कर लें कि आज कौन सेलेक्ट हो रहे हैं और कौन कितने आगे जा रहे हैं इस और ख़बर के साथ कि जो भी विनर होंगे इंशाल्लाह इस साल के, उनको जो साबरी कंटेस्टेंट जीतेगा या जीतेगी बच्ची, उनको बहुत इंशाल्लाह ज़बरदस्त इनाम मिलेगा। लेकिन वाकई में जिन बच्चों ने अमजद भाई से मुलाकात की वो ज़्यादा खुश नसीब निकल गए, बाकी ज़रा सा कुछ कमी रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मुहम्मद अलैहि वसल्लम अभी हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। बाबा पिया से पूछो ये पाक पतन में जाकर, गंजे शकर हो साथ सफर कैसा लगेगा, गंजे शकर हो साथ सफर कैसा लगेगा। पाई है मुनव्वर ने कजा दर पे नबी के, दर पे नबी के पाई है मुनव्वर ने कजा दर पे नबी के, आ जाए वतन ऐसी खबर कैसा लगेगा, आ जाए